जी मेरा नाम डॉक्टर एजाज चन्ना है और मेरी एजुकेशन पीएचडी है लोकल और यूएसएस सैंडविच है और मेरे जो मेरे जो सुपरवाइजर है प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद है जो कि पाकिस्तान में ये अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी लाने वाले पहले शाह रहे हैं अच्छा इस सिस्टम को पाकिस्तान में लॉन्च किया सर ने हमने तो 2004 से शुरू किया पाकिस्तान में अच्छा तो मैं पहले से बात करूँ कि पीएचडी क्वालिफिकेशन बताई तो मैं अब जो मौजूदा मेरी जॉब है एज असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस का है और वहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ जो फिजियोलॉजी है एक्चुअली काफ़ी लोगों को शायद एकदम ना हो ये वही है एनिमल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं ना रिप्रोडक्शन जो बढ़ोतरी नस्ल उसी के जो शोभा है वही है लेकिन यहाँ पे हम उसको फिजियोलॉजी कहते हैं और उसमें मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा और यूनिवर्सिटी ऑफ फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेस जिसको हम यूवास हो तो उसमें मैं 2013 मई 2004 से ज्वाइन किया एज एन लेक्चरर फिर 2012 से एज असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद अब क्वालिफाइंग हैं अगले ग्रेड जो तबके पे जब होगी तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे तो ये मुख्तसर सा तर्क के साथ साथ फिर मैं वहाँ पे इंचार्ज हूँ क्लिनिक का अच्छा और जो गाय बकरी एनिमल हैं उनके नस्ल खुशी उनके जाने सुनने के मसाइल ना लगने ना ठहरने के मसाइल अल्ट्रासाउंड से तशखीस जल्दी जो है हमल की तशखीस गोलियों में गाय भैंसों में भेड़ बकरियों में और जो है वो क्लिनिक में उधर भी है और उसके अलावा हम जो युवास के एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जिसको मैं मोदी जी चीफ सर्विसेज खिदमत गुजार पहला हूँ अच्छा। और यूनिवर्सिटी पंजाब में होते हैं पे भी कोई प्रॉब्लम हो उसको हम पार करके दहेज तक जाते उनके फॉर्म पे जाके उनके जो मसाइल है उनको साइंटिफिक तरीके से हल करके उनकी गाइडेंस भी देते हैं रेमेडी भी करते हैं बीमार जानवरों का इलाज भी करते हैं अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। 2005 में हमने जो बक्की हरियाणा ऑफिस में वहाँ पे जो वेटनरी डिस्पेंसरी थी हमने वहाँ फार्मर डे बना के लोगों को मुफ्त सहूलत दी कि आप आके अल्ट्रासाउंड कराएं अपने जानवरों की बजाय अल्ट्रासाउंड तशखीस करवाएं जल्दी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के हमल की तशखीस भी करवा लें और जिसमें कोई मसाइल है उसका भी करवा लें। तो हमने ये समझो कि 2005 में इसकी इब्तदा की जी हमने पहले इन हाउस यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपने प्रोफेसर के साथ अपने जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल थे उन पर हाउस सीधा करना शुरू किया और उसके बाद सर ने कहा आप काफी सीखे हो अब इसको हमें खोलना चाहिए ताकि हम फार्मर्स की ये सहूलत उनके दरवाजों तक दें और यहाँ पे भी जो होता है उसको भी सर्विस दें। तो मैंने 2005 से शुरू किया। अगर ये हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें कि कब टेक्नोलॉजी कैसे आई तो इसमें ये है कि ये 1980s में की दहाई में ये पहली दफा जो है ना बोरियों की वजह से ये अल्ट्रासाउंड वेटनरी में या एनिमल साइंसेस में इस्तेमाल हुआ अच्छा। और उसकी खास वजह ये थी कि बोरियों को मिला देते थे अगर उसमें जुड़वा होते थे तो वो अचानक पता लगता था कि वो उसमें एबॉर्शन कर दिया तो दो बच्चे थे उसकी कैपेसिटी नहीं है उसकी साइज वो कम है तो इसमें तो दो बच्चों को ले के फुल उमूमी हालत में उसकी कैपेसिटी नहीं है लेकिन आप काफी बार बार ये सोचते हैं यार मेरे घोड़े तो दो बच्चे दे दिए लेकिन उसमें होता यह है कि दोनों का साइज कम होता है या एक का साइज एक होगा तो दूसरे का छोटा होगा तो वो मर जाएगा लेकिन बहुत कम इस मंजिल तक पहुंचते हैं कि जुड़वा बच्चों का जन्म हो जिससे पहले ही ये भाषण मिल जाए। तो इसमें वेटनरी में ये जब प्रैक्टिस में आया तो उसमें से तशखीस कर देते थे 25 दिनों में कि इसके अंदर दो बच्चे तो उनके थे अगर दो बच्चे हैं तो एक बच्चे को उधर से ही एस्पायरेट करके उसको स्टॉप कर देते थे ताकि एक बच्चा जो है ना वो पूरी ग्रोथ करता था और उसका नॉर्मल जन्म था। तो ये जब एक दफा स्टार्ट हुई तो फिर साइंसदानों ने रिसर्चरों ने
इसको और इस्तेमाल करने शुरू कर दिया। यार अगर हमारी अंदर एक कोच है, हम देख सकते हैं, तो फिर हम तो काफी चीजें देख सकते हैं। जैसे हम न्यूट्रस को देख सकते हैं, उसमें अंदर हमल हमल को तशखीस कर सकते हैं। बॉडी में 21 दिनों या 25 दिनों का बहुत कहते हैं, गाय भैंसों में आपको पता है हम 30 दिनों का करते हैं। लेकिन जो टाइम होती है ना दशहरिया, उसमें हम 27-28 दिनों का पता लग जाता है कि ये हमला है। तो असल हमल के अलावा इसका ये फायदा हुआ कि साइंसदानों में हमने सिंक्रोनाइजेशन के प्रोटोकॉल लगाए जाए, उसमें अल्ट्रासाउंड से जो हम टीके लगा रहते हैं, जो मुख्तलिफ हार्मोन से ओवरी की जो फंक्शन है उसको बहुत नजदीक से स्टडी किया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। फिर हमने उस चीज को भी ये मिलाया कि इसके अंदर फाली के लिए जहाँ से अंडा रिलीज होता है ये घोड़े में कितना साइज होना चाहिए, तो घोड़े से मिलाना चाहिए ताकि हमें बच्चा मिले। गाय में कितना होना चाहिए, तो इसी तरीके से हमारा अभी भेड़ बकरियों के अंदर भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें भेड़ बकरियों पे भी ये कोशिश जो कि अभी फुल मार्केट में नहीं है, वो अभी हमारा प्रोजेक्ट हमारे दोस्त का चल रहा है, जो उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। कुछ दिनों में इंशाल्लाह जैसे ही हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे तो इस लायक भी होंगे कि हम अपने लोकल जानवरों पर सेक्स संबंधित है, उम्मीद है काफी बेहतर। तो ये है सर्विसेज और अल्ट्रासाउंड के आगे हम और बात करेंगे। ये तो चीजें हमने कर ली। चल हमने बच्चेदानी में कोई बीमारियाँ जैसे पायोमेट्रा हो गया, जैसे पस पड़ जाती है या सोजश होती है, यूट्रस की सोजश होती है, जिसमें जानवर है तरह साइकिल सब नॉर्मल होती है, ईट में होगा मिलाई चीज होगी, लेकिन वो ठहरता नहीं, उसको भी हम तशखीस कर सकते हैं। और उसके अंदर कोई नसूनियाँ हैं, कोई सिस्ट टाइप चीज़ें हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हो जाती हैं। वक्त फिर उसकी तशखीस करके उसका इलाज कर देते हैं तो वो बीमारी जब बैठ जाती है तो उस जानवर का जो बच्चे देने का अमल है वो बेहतर हो जाता है। और हमें बच्चा मिल सकता है हमारी तरफ से, हमारी मेहनत होती है, फिर हमारे के साथ है। और फिर जो है वो हमें इस तरीके से सारे जानवरों बच्चे देने में अल्ट्रासाउंड की समझो शुद्धि खिदमात को बाहर ले आकर बताता है कि हम आप ये सोच रहे हैं और ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर सिस्ट है, ये नॉर्मल है या इसमें कम मिलानी चाहिए, ये सारी चीजें अल्ट्रासाउंड से